अभी जो हम लोगों ने आइडिया आपको एल्जेब्रा के थ्रू देखा, उसको एक सिंपल स्टोरी के थ्रू पकड़ते हैं, फ्रेंड्स के आइडिया के थ्रू. लेट्स से आपको देर आर टू फ्रेंड्स, मान लो दो दोस्त हैं, एक दोस्त ए है एक दोस्त बी है. ए स्टेज एट लेट्स से -3 एंड बी स्टेज एट लेट्स से 4. ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे रहते हैं, ए स्टेज एट -3 एंड बी स्टेज एट 4. हमारा क्वेश्चन है एट विच पॉइंट और पॉइंट्स और इन विच रीजन शुड दे मीट सो दैट मिनिमम डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस इज कवर्ड. आपको ये क्वेश्चन है तो देखते हैं इन दोनों के बीच में. तो मान लो वो लोगों ने डिसाइड किया कि आज ए के घर पे मिलना है, एट एज प्लेस. ए के घर पे मिलना है, हाँ तो ऑब्वियस है कि बी विल कम हियर. हाँ तो बी आएगा अपने घर पे, अपने घर से ए के घर पे आएगा. अब बोलो 4 से -3 करेगा मतलब वो 7 यूनिट करेगा, और सिंस ए के घर पे मिलना है तो ए विल नॉट डू एनीथिंग. तो अगर ए के घर पे आया तो 7 यूनिट हो गया, एंड बोथ ऑफ देम आर टुगेदर नाउ, एक साथ दोनों बैठे हुए, हाँ तो 7 यूनिट कवर हो गया. अगर यही रहता कि अरे बी के घर पे अगले दिन मिलना है, अगर बी के घर पे मिलना है तो अभी ए विल कम टू आपको बी प्लेस एंड बी विल नॉट ट्रेवल एनी डिस्टेंस. तो ए करेगा -3 से 4 भी करेगा तो 7 यूनिट ही होने वाला है, अभी भी 7 यूनिट ही हो रहा है. अभी मेरे को आया अच्छा व्हाट इफ ये मान लो आपको एट पॉइंट जीरो मिल रहा है, एट पॉइंट जीरो मिलोगे एट जीरो, इन दैट केस ए भी चलेगा और बी भी चलेगा. तो ए चलेगा -3 से 0 करोगे तो ए चलेगा 3 और बी चलेगा 4 से 0, हाँ तो वो भी करेगा 4. तो ऐड होके अभी भी 7 यूनिट ही होने वाला है. हाँ तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आप इस रेंज में कहीं भी मिला दो, बोलो 7 यूनिट इतना किए बिना वो कभी मिल ही नहीं सकते. तो इफ दे हैव टू मीट इन दैट केस मिनिमम डिस्टेंस is equal to 7 unit, और वो इस रेंज में आपको कहीं भी मिल सकता है, ए के घर पे हो या बी के घर पे हो या बीच में हो, कहीं भी ले लो आपको 7 यूनिट ही होने वाला है. इन द रेंज, इस रेंज में होगा 7 यूनिट. और अगर मैं इसके घर के आगे जाऊंगा, अगर बी के घर के आगे जाऊंगा हाँ तो 7 यूनिट से ज्यादा होगा, ए के घर भी लेफ्ट पे जाऊंगा अभी भी 7 यूनिट से ज्यादा होने वाला है. तो अगर दो दोस्त हैं, तो हमेशा अगर दो दोस्त हैं गाइस, तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो या तो ए के घर पे मिलेगा, नहीं तो बी के घर पे मिलेगा, एल्स नहीं तो इनके बीच में मिलेगा. ये अपना ये पहला लॉजिक निकल कर आया. अब इसी को सोचते हैं अगर तीन दोस्त होगा तो क्या करेंगे. होल्ड करिए, ये इरेज कर रहा हूं मैं. इफ देयर आर थ्री फ्रेंड्स इन दैट केस व्हाट विल हैपन. अगर तीन दोस्त हो गए, अभी आप सोचो ए है, ए है ये, बी है और ये सी है. ए स्टेज एट -3 एंड बी स्टेज एट आपको 0 एंड सी स्टेज एट लेट्स से आपको 5. अभी मेरा क्वेश्चन है एट विच पॉइंट और इन विच रीजन शुड दे मीट, इट मीन्स ऑल थ्री ऑफ देम मीट सो दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कवर्ड और डन. चलिए एक बार बारी बारी करके देखते हैं. मान लो पहले दिन डिसाइड हुआ कि ए के घर पे मिलना है, ए के घर पे मिलना है तो ए नहीं चलेगा, आपको बी चलकर आएगा और सी चलकर आएगा. हाँ तो बी विल डू, ये करेगा 0 से -3 अगर जाना है हाँ तो 3 यूनिट करेगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है गाइस, तो ये 3 यूनिट करेगा. और सी आपको 5 से चलेगा और -3 पे आएगा तो हाँ तो ये 5 से -3 हो जाएगा 8 यूनिट. तो ए के घर पे मिलना है तो 11 यूनिट होगा. तो ऑल थ्री ऑफ देम विल मीट, एक साथ हो गए 11 यूनिट करके आपको तीनों जन मिल गए यहाँ पर. अभी अगले दिन डिसाइड हुआ कि लेट से मेरे को सी के घर पे मिलना है,
अगर सी के घर पे मिलना है इन दैट केस आपको सी विल नॉट डू एनी डिस्टेंस ए विल कम टू सी प्लेस एंड बी विल ऑल्सो कम टू सी प्लेस तो ए विल डू माइनस थ्री से फाइव के बीच का हो गया 8 यूनिट और बी कर लेगा 0 से 5 के बीच में होगा 5 यूनिट तो अभी हो जाएगा 13 यूनिट आपको थर्ड डे डिसाइड हुआ अच्छा बी के घर पे मिलना है अगर बी के घर पे मिलना है तो बी विल नॉट डू एनी डिस्टेंस इन दैट केस अगर बी के घर पे मिलना है तो ए विल कम टू बी प्लेस एंड सी विल कम टू बी प्लेस ए विल डू आपको 3 यूनिट एंड सी विल डू 5 यूनिट तो 3 प्लस 5 8 आया अच्छा मिनिमम चाहिए था अभी तक तो 8 ही मिल रहा है इससे कम तो नहीं मिला और सिनेरियो देखते हैं मान लो इन लोगों ने डिसाइड किया आज मेरे को कोई नए जगह पे मिलना है और वो पॉइंट का मान लो लोकेशन है वो 2 है हाँ तो अगर आपको 2 पे मिलना है एट 2 इन दैट केस ए जाएगा यहां तक तो ए माइनस 3 से 2 करेगा तो कर लेगा 5 यूनिट और बी जाएगा यहां तक हाँ तो बी 0 से 2 जाएगा तो कर लेगा 2 यूनिट और सी भी आएगा हाँ सी 5 से 2 आएगा हाँ तो 3 यूनिट करेगा तो 5 2 7 प्लस 3 ये होगा 10 यूनिट आप और कहीं मिला लो इधर भी मिलाओगे वो अभी भी उस 8 से ज्यादा ही आने वाला है मिनिमम डिस्टेंस तो अभी तक नजर आ गया कि मिनिमम डिस्टेंस मेरे को बी के घर पे मिलने वाला है तो जब भी आपको गाइस आपको 3 दोस्त रहेंगे आपका मिनिमम हमेशा आपको बीच वाले दोस्त पे ही रहेगा ऑलवेज ऑलवेज एट बी और वो जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा रहता ए ऐसा है और बी उससे दूर रह रहा है और सी इससे नजदीक रह रहा है अभी भी मिनिमम डिस्टेंस गाइस ये दूसरे वाले फ्रेंड पे ही होने वाला है इट डजंट मैटर ये इससे नजदीक है कि ये इससे दूर है हमेशा बीच वाले दोस्त तो मिनिमम लाइक करेगा आप बोलोगे यहाँ क्यों है उसका रीजनिंग भी है एरो से पकड़िए एक घर पे मिल रहे हो अगर तो आपको बी आ रहा है और ये सी आ रहा है होल्ड ऑन एक और डायग्राम बनाते हैं अगर सी के घर पे मिल रहे हो तो ए आ रहा है और बी आ रहा है और अगर सिर्फ आप बी के घर पे मिल रहे हो तो ए जा रहा है बी के यहां और सी आ रहा है बी के यहां तो आप बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाला पार्ट और जो ये वाला स्ट्रेट लाइन है ए से सी वाला वो तो यहां पर हो गया ए से सी वाला पार्ट लेकिन इन दिस टू सिनेरियो आपको बी ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रहा है ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है और ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे नहीं है इसी के लिए मिनिमम डिस्टेंस विल ऑलवेज बी एट द बीच वाला दोस्त हमेशा तो जब भी 3 दोस्त हो गए मिनिमम हमेशा बीच वाले दोस्त पे ही होगा तो ये आइडिया इसको पकड़ सकते हैं हाँ तो अभी अगर मैं जनरलाइज करूं अगर 2 दोस्त थे ए और बी तो मिनिमम डिस्टेंस लाई करेगा इधर एट बी ए और बी और एनीवेयर बिटवीन देम इफ देयर आर 3 फ्रेंड्स इन दैट केस मेरा मिनिमम डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली एट द सेकेंड फ्रेंड अगर मैं पूछूं व्हाट इफ देयर आर 4 फ्रेंड्स इन दैट केस व्हाट विल हैपन अगर 4 दोस्त हो गए ए है बी है सी दूर है और डी भी दूर है अभी मिनिमम लाई करेगा इधर एट बी और एट सी और एनी वे बिटवीन देम और वो ध्यान रखना लीस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है तो आपको अभी पैटर्न समझ में आना चाहिए मैं क्या पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ फ्रेंड ये इवन नंबर ऑफ फ्रेंड था हाँ तो हमेशा लीस्ट या मिनिमम डिस्टेंस आपको बीच वाले दोनों पे लाई करेगा उनके एंड पॉइंट पे ही होगा नहीं तो बीच में ये दोनों एंड पॉइंट पे चलेगा और नहीं तो बीच में अगर ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड होगा ये ऑड हो गया ऑड होगा तो हमेशा एग्जैक्टली बीच वाले दोस्त पे लाई करेगा तो अगर मान लो 5 फ्रेंड हो गए ए है बी है आपको सी स्टेज फार एंड डी ऑल्सो स्टेज फार ई ऐसे तो अभी अगर 5 दोस्त हो गए तो एग्जैक्टली बीच वाले दोस्त पे इट मीन्स यहाँ पे लाई करेगा तो इसी आइडिया को वी कैन यूज इट फॉर जो मल्टीपल मॉड के सवाल है उसको यूज कर सकते हैं तो वो देखते हैं आगे कैसे करना है